दोस्तों, यदि आप एक ब्लॉगर हैं और आप भी एक मिनिमली कोई भी पोस्ट गूगल सर्च कंसोल के अंदर इंडेक्स कराना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो रहा है, एक इरर आ जा रहा है, इरर ड्यूरिंग लाइव टेस्टिंग इंडेक्सिंग इज वेयर यू डिटेक्ट विद URL, या अगर आपको भी यह इरर आ रहा है तो आज की इस वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको बताने वाला हूँ इस इरर को कैसे फिक्स करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है रजेश मौर्या, आप देख रहे हैं ब्रीफ ब्लॉगिंग यूट्यूब चैनल। चले वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गूगल सर्च कंसोल को हम यूज़ क्यों करते हैं। कोई भी ऐसा हमारा पोस्ट हो या वेबसाइट हो, उसको गूगल के ऊपर इंडेक्स कराने के लिए गूगल सर्च कंसोल का हम यूज़ करते हैं। और हम चाहते हैं कि कोई भी मैन्युअली कोई पेज हो या हमारे साइट को इंडेक्स किया जाए गूगल पे, गूगल सर्च कंसोल का यूज़ करते हैं। अगर यह आपका इरर आ रहा है तो हो सकता है आपका साइट का कोई भी पेज, कोई भी पोस्ट इंडेक्स नहीं होगा, ना ही आपके ऊपर व्यूज आएगा साइट पे, ना ही आपका पोस्ट वायरल होगा। सो, मैं अभी अपना साइट को जब इंडेक्स किया तो मुझे भी यह इरर आया, तो मैंने इसको कैसे फिक्स किया आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि मैं अभी गूगल सर्च कंसोल में हूँ, और यहाँ से मैं परफॉर्मेंस में दिखा दूँ कि मैं अभी टोटल, अभी हमारा न्यू साइट है, अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही इसको पब्लिश किया है, यानी कि होस्ट किया है। तो यहाँ पर टोटल वेब क्लिक जो हुआ है 60 है, इंप्रेशन 46 है, और वगैरह वगैरह। तो मैं जब अपने साइट का URL यहाँ पर कवरेज कर रहा था, यानी कि इंडेक्स कराने के लिए, तो यहाँ पर इरर आ गया था। 1 सेकंड में, ओके गाइस, यहाँ पे मैं अपना साइट का URL कॉपी किया, और यहाँ से मैं जब इस पर इंस्पेक्ट एनी URL यहाँ पे पेस्ट करूँगा, तो यहाँ पे जब मैं इंटर किया था, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे इंडेक्सिंग हो रहा है, और यहाँ पे कुछ इस तरह का आ रहा था। जब मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक कर रहा था, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे कैचअप फिल करने के लिए आ रहा है, और यहाँ से मेरा साइट लिंक, यहाँ से साइट मेरा इंडेक्स हो जाएगा। लेकिन इसके पहले मुझे आ रहा था इंडेक्स रिजेक्शन, तो उसका मैंने उसको कैसे सॉल्व किया। सॉल्व करने के लिए आपको ब्लॉग एक्सपोर्ट के डैशबोर्ड में आना है, और डैशबोर्ड आने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे आपको आना होगा। यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है आपको क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग, इस ऑप्शन को हो सकता है आपको दोनों डिसेबल हो, तो दोनों को आपको इनेबल करना है। सबसे पहले यहाँ पे इसको डिसेबल है, इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे कस्टम रोबोट TXT आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का मैंने यहाँ पे फिल किया हुआ है। सिंपल सा आपको फिर से एक न्यू टैब ओपन कर लेना है, और यहाँ पे टाइप करना है XML साइट मैप फॉर ब्लॉगर। जब ये आप कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे Levlon.org का एक ऑफिशियल साइट आ जाएगा, इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे जनरेट XML साइट मैप यहाँ पे आ रहा है। आप जो भी आपके साइट का URL है इसको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। तो पेस्ट करने के लिए यहाँ से पेस्ट कर ले रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि मैंने पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जनरेट साइट मैप वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से आपका साइट मैप जनरेट हो चुका है। तो आपको यहाँ से लेकर और नीचे तक इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। 1 सेकंड, रिलेट करके मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ से सिंपल से इसे एक बार और कॉपी करना है, और यहाँ पे इंटर प्रेस करके इसको प्रेस, फिर से इसको एक और बार कॉपी करेंगे, और फिर इंटर प्रेस करके इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आपको ऊपर वाले में कैटेगरी टाइप कर देना है, और कैटेगरी टाइप करने के बाद यहाँ पे रेफरेंस दे देना है, और उसके बाद टैग कुछ इस तरह का दे देना है। इस तरह करने के बाद आपको सेव कर लेना है। मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम उसी तरह मैंने सेव किया हुआ है। उसके बाद आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद फिर एक और नीचे है आपको इनेबल कस्टम रोबोट हीटर TXT, इसको भी इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद आपको ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ से आपको ऑल कर लेना है। ऑल करने के बाद NoDP एक और ऑप्शन 2 यहाँ पे इनेबल कर लेना है आपको, और उसके बाद सेव कर लेना है। ये दो चीज़ करने के बाद आपको फिर से जाना है यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल में, और उसके बाद आप जो भी URL अपना इंडेक्स कराना चाहते हो वो टाइप कर सकते हैं, और आपका इंडेक्स बहुत आसानी से हो जाएगा। उसके बाद आपका इरर कोई भी नहीं आएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ गया होगा। वीडियो पसंद आया है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।